हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दुनिया। और मैं कई दिनों के बाद आई हूँ, मतलब इस तरीके की अपनी वॉइस एडिटिंग वीडियो के साथ। सो आज मैं जा रही हूँ फियो ऑफिस विच इज़ इन दिल्ली। सो ऑफिस के टाइम पे मैं निकल चुकी हूँ वर्किंग आवर में, बिकॉज पहले डिसाइड नहीं था, बट 11-12 बजे के बाद डिसाइड हुआ कि ठीक है, वी नीड टू विज़िट फियो वंस अगेन, बिकॉज हमारा एक स्टॉल लग रहा है विच इज़ इन चाइना। सो फियो वाले ऑर्गेनाइज़ करते हैं चाइना में जो कैंटोन फेयर लगता है, सो उसके रिगार्डिंग ये मीटिंग है। ये दूसरी बार मैं विज़िट कर रही हूँ दोबारा। सो बस मैं आपको ऑन द वे नेचर ब्यूटी दिखाते हुए चलूँगी, बिकॉज आज जो मैं रियलाइज़ कर रही हूँ यार, बड़े ग्रीनरी वाले पाथ से ड्राइवर मुझे लेकर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरे वीडियोज़ में आप ज़्यादातर आज आपको ग्रीनरी और नेचर ब्यूटी ही दिखेगा, क्योंकि मुझे ना पर्सनली बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। जो लोग मेरे क्लोज वंस है, दे नो वेरी वेल कि मुझे ग्रीनरी कितना ज़्यादा पसंद है। मतलब मेरा बस चले ना, तो मैं अपने घर का सबसे बड़ा एरिया कैप्चर करके ना उसे गार्डन में, ग्रीनरी में कन्वर्ट कर दूँ। सो एनीवेज, और बस मैं आपको रास्ते का टूर कराते जाऊंगी, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। फी ऑफिस पहुँचते हैं, मीटिंग ओवर करते हैं और खाते पीते निकलूँगी, बिकॉज ब्रेकफास्ट मैंने बहुत लाइट किया था, तो मैं सोच रही हूँ कि जब इतनी दूर आए हैं तो किसी अच्छे अच्छे स्टॉल पे खाते पीते ही चलेंगे। और ये लीजिए, आ चुका है फियो ऑफिस निर्यात भवन। लास्ट टाइम की तरह हम लोग भटके नहीं हैं, क्योंकि जो ड्राइवर है भैया बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, उन्हें हर नस्ते का नॉलेज है, तो बहुत ही ईजिली कन्वीनियंटली हम लोग आ चुके हैं। सो लेट मी फिनिश द मीटिंग, फिर मैं वापसी में दोबारा चीज़ें कैप्चर करके आपको दिखाती हूँ। सो सक्सेसफुली मीटिंग डन। जिस मैटर के लिए आए हैं, आई विश कि वो फुलफ़िल हो जाए। सो ये सेकेंड टाइम मीटिंग थी मेरी फियो में, एंड आई होप कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो जाए। ऑफिशियली मीटिंग थी, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर द फेयर। सो एनीवेज, सो जो कैंटोन फेयर है वो कंडक्ट होने वाला है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। सो उसके लिए ज़ोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं ऑफिस में, और बस हम लोग निकल चुके हैं, और मैं दोबारा आपको ये क्लाउड्स, ये ग्रीनरी दिखाते हुए जा रही हूँ। बड़ा अच्छा वेदर हो गया है, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मतलब आज का मेरा ये ऑफिस वर्किंग आवर ना बड़ा अच्छा चल रहा है। सो यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं सीपी की तरफ से, और यहाँ से हम जाएंगे किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे जहाँ हम कुछ अच्छा खा सके, क्योंकि भूख लगी है बहुत ज़ोरों की, बहुत दूर आ चुके हैं हम लोग। सो मैं सोच रही हूँ कि कुछ अच्छा खाते पीते हुए चले, और मौसम का नज़ारा देखो कितना खूबसूरत सा लग रहा है। सो मैं आज पूरा यही सब कैप्चर करते हुए पहुँचूँगी, और क्या खाते पीते हैं।
They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off, wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful, I think that work is essential. The grind is all in your mental, and I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need. और फाइनली हमने गाड़ी पार्क कर दी है जैन शिकंजी वाले के पास, जो कि बहुत ही फेमस पकोड़े वाले, चाय वाले, शिकंजी वाले हैं। यहाँ पे मैं कई दफ़ा आ चुकी हूँ और ये देखो गरम गरम मैंने मिर्ची वाले पकोड़े भी तलवाए हैं। लेट मी इन्जॉय माई फूड। ओके देन, टेक केयर, बाय बाय। और आप लोग भी इसी तरह इन्जॉय कीजिए, खाते पीते रहिए और अपना दिन बिताइए अपनों के साथ।